तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का पुनः जो है स्वागत करना चाहूंगा, मोस्ट वेलकम करता हूं कि आज का जो हमारा दोपहर का सेशन है ये बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। यहाँ पे आपको आज बहुत ही ग्रेट लीडर के द्वारा, जिन्होंने बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे से फोर्सेज में काम करके मेहनत से बहुत अच्छी जो है अर्निंग की है, और आज सर के माध्यम से हम सुनेंगे कि जो वीक प्लानिंग है, जो आप बहुत ही कम समय में, जो हमारे यादवेंद्र सर हैं, रामदेव सर हैं, उन्होंने 6 महीने के अंदर वो करोड़पति कैसे बने, तो वो आपको प्लानिंग मिलने वाली है। तो हमारा फर्स्ट जो टास्क होता है वो होता है मीटिंग का स्क्रीनशॉट लेके अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप पे, स्टेटस वगैरह पे, जहां भी लगाना होता है आप फटाफट लगा लीजिए, और 1 से 2 मिनट का जो समय होता है हमारा जो कॉलिंग का, वो फटाफट अपने जो सभी साथी हमारे जो छूट जाते हैं, तो उन लोगों को भी आज कोई भी हमारा साथी मिस ना करना चाहिए, इस मीटिंग को, 2 बजे वाले सेशन को मिस नहीं करना चाहिए। तो उन सभी साथियों को जो है आप लोग कॉल कर लें जो छूट गए हैं, जो अभी मीटिंग में नहीं आ पाए हैं। तो समय हमारे पास बहुत कम है, फटाफट आप लोग जो है उनको बुला लीजिए। दोस्तों, हमारी महफिल में लोग बुन बिलाए आते हैं, हमारी महफिल में लोग बिन बुलाए आते हैं, क्योंकि यहाँ स्वागत में फूल नहीं पलकें बिछाए जाते हैं। सो मोस्ट वेलकम है सभी साथियों का। आप सभी लोग धैर्य बनाए रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, क्योंकि जिस बिजनेस में, जिस आज हम बिजनेस के बारे में, जिस सिस्टम के बारे में आज हम जो जानकारी लेने जा रहे हैं, वो बहुत ही दुनिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, जहां से आज बहुत सारे लोग करोड़पति बन चुके हैं, और लखपतियों की तो यहाँ पे खेती होती है। यदि 4 से 5 दिन जो अगर व्यक्ति सही से काम कर ले तो वो लखपति तो आसानी से बन जाता है। और बोलते हैं ना कि कई लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने आईडी लगा के भी छोड़ दी, फिर भी वो लखपति बन गए। तो दोस्तों, 1-2 लाख रुपए तो यहाँ पे नॉर्मली कोई भी कमा सकता है, लेकिन हम जो आज प्लानिंग लेंगे सर के माध्यम से, तो आज जो है वो करोड़ों की प्लानिंग है। हम 6 महीने में करोड़पति कैसे बन सकते हैं, तो कोई भी लीडर्स, कोई भी हमारा साथी इस सेशन को आज मिस नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हमें संख्या में उन सभी साथियों को लेके आना है जो आज मीटिंग की प्लानिंग ले पाए, क्योंकि आज की जो प्लानिंग है वो नॉर्मल नहीं है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो प्लानिंग है। और मैं बता दूं, अभी हम लोग 27, 28, 29 3 दिन की आगरा LDP हम लोग करके आए हैं। तो आगरा LDP में हम लोगों ने वो नजारा देखा, वहां पे यादवेंद्र सर से मिलने का मौका मिला, रामदेव सर से मौका मिला मिलने का, और पुष्पेंद्र सर से मिलने का मौका मिला। एक बहुत ही सादा सिंपल नेचर के यादवेंद्र सर हैं, जो आप 8 बजे वाले मीटिंग में और शाम को इवनिंग में 8 बजे वाली जो मीटिंग में आप यादवेंद्र सर को जो सुनते हैं, आंधी तूफान बरसात कोई भी मौसम हो, सर की मीटिंग हमेशा कंटिन्यू रहती है। तो हमें ऐसे शख्सियत से जो है मिलने का मौका मिला था। रामदेव सर को आप देख के यकीन नहीं करेंगे कि इतना पैसा कमाने के बावजूद भी इतने सादा सिंपल, बिल्कुल जैसे लग रहा था कि सर, रामदेव सर को तो मैंने इतने नजदीक से, और बहुत ज्यादा सर मेरे से इम्प्रेस हुए थे। सर ने जब मैं मीटिंग में जब गया था सर के उसमें, जब मुझे वहां पे इनवाइट किया गया था, मेरे को जब मेडल मिल रहा था वहां पे, बेस्ट एक्टिव लीडर का अवार्ड जो है मुझे मिला था वहां पे, तो वहां पे जो है जब सर के साथ में गया और जब हमने एक दूसरे से हैंडशेक किया, तो सर बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे कि आप सर इंडियन आर्मी से हैं और इंडियन आर्मी के बारे में लोग सोचते हैं, और आप जो है पेंशन भी आ गए और आज आप इस सिस्टम में वर्क कर रहे हैं। तो सर ने मेरे से कई चीजें सीखी वहां पर, सलूट वगैरह सर ने बोला कि सर हमें सलूट भी सिखा दीजिए, कैसे सलूट दिया जाता है। तो मैंने सर को सलूट सिखाया, पूरी मीटिंग में जितने भी लोग थे हमारी LDP में, सभी को मैंने सलूट करके सिखाया, लेफ्ट राइट हम कैसे मुड़ते हैं, वो सारी चीजें मैंने, एक्टिविटी कुछ थी उन्हें सिखाई, तो सर को बहुत ज्यादा पसंद आया। और तो मैं बता रहा हूँ कि यादवेंद्र सर की जो हम लोग जो मीटिंग लेते हैं, मैं बता रहा हूँ कि बहुत ही विकट सिंपल आदमी है, इतने सिंपल आदमी है। रात को सर से हमने लगभग सर के साथ में 12 बजे खाना खाया था, 12:30 बजे, और
3 बजे तक सर से हमने कॉन्फ्रेंस की, सर के साथ बैठ के। मैं आपको रियली बता रहा हूँ सर, 3 बजे डेली सोते हैं और 5-5:30 बजे वो अपना सेशन भी है, उनके कई सेशन में वो चले जाते हैं, जो हमारा सेशन होता है 6:30 बजे, हम लोग भी सेशन करते हैं अपना। तो बहुत ही मजा आया वहां सर से मिलके। इतना पैसा कमाने के बाद सर के अंदर एक पैसे का ईगो नहीं था, वो गंभीर था, वो सर के अंदर साइलेंट पन मैंने देखा कि ओनली फॉर काम की बात, व्यर्थ की कोई बात नहीं। और सर से बहुत कुछ सीखा, वास्तव में सीने में आग लग गई उस दिन से। और मैं चाहूंगा कि उन लोगों से, कितने लोग थे जो हमारे साथ एलडीपी में थे, आगरा एलडीपी में, रेज योर हैंड। हैंड रेस करें जो लोग आगरा एलडीपी में थे। क्या बात है, जबरदस्त। और हमारा सेशन भी फुल होने वाला है, बहुत ही जल्द फुल हो जाएगा सेशन। तो जो भी हमारे लीडर्स रह गए हैं, आप लोग उन्हें भी अभी भी 1 मिनट का समय है, इनवाइट कर सकते हैं। तो मैं बहुत जल्द ही सर को इनवाइट करने जा रहा हूं। देखिए 49 लोग 50 लोग थे हमारे आगरा एलडीपी में, और बहुत सारे लोगों को मौका मिलेगा आपको सुनने का भी यहाँ पे। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग फटाफट से, जो है 1 मिनट का समय हमारे पास और बचा हुआ है, मैं आपको सच बता रहा हूं, घमंड ना करना जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। दोस्त मैंने देखा है कई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में, जहां से लोगों ने 10-10, 20-20, 1-1 लाख रुपए कमा लिया, तो उनके अंदर इतना ईगो आ जाता है बहुत ज्यादा। दोस्त हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो आज आप प्लानिंग लेंगे हमारे ग्रेट अपलाइन ग्रेट मेंटोर के माध्यम से, वो आज की जो प्लानिंग है आपकी बहुत ही जबरदस्त रहेगी। मैं आपको बता रहा हूं, जो अगर आपने दिल से इस प्लानिंग को ले लिया और आपने डायरी और पेन के साथ नोट कर लिया, तो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, बहुत बड़े लेवल तक आप जाने वाले हैं और बहुत कम समय में बहुत बड़े इनकम कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी आज जो है, मैं एक शायरी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। उस मीटिंग में जो है, आप लोग जो है बोलते ना कि आपका स्वागत करने हम सब मिलकर आए हैं, चेहरे पर मुस्कान, हाथों में डायरी और पेन लेके आए। तो सभी लोग आज जो है, किसी मीटिंग में आप पेन और डायरी के साथ आए या नहीं आए, लेकिन आज जो है आपके पास पेन और डायरी होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप जो है उस प्लानिंग को अपनी डायरी पे नोट करेंगे और उसी हिसाब से आज से काम शुरू करेंगे। तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप बहुत कम समय में बहुत अच्छे से अर्निंग यहाँ से ले पाएंगे। तो बहुत ही हमने जो है, जो हमारी एलडीपी हुई थी, तो एलडीपी में जो है हमने बेस्ट जो है एलडीपी का खिताब भी जीता, बेस्ट एलडीपी का जो है हमें मेडल भी हम लोग जीत के लाए हैं। तो बिल्कुल भी आप लोग भी इस एलडीपी के लिए, जो भी लोग मिस कर देते हैं एलडीपी में, एलडीपी में जो आपका विजन है वो आपको वहां पे क्लियर हो जाता है। और हम जब यादवेंद्र सर हमारे जो मेंटोर हैं, उन लोगों से जब आप उन्हें सुनते हैं, उनसे जब मिलते हैं, उनके साथ बैठ के खाना खाते हैं, तो वो बहुत ही इंजॉय आता है, बहुत मजा आता है, क्योंकि जो हमारा विजन है वो वहां पे क्लियर हो जाता है। यहां से तो आपने देव कुमार यादव को कभी देखा है, प्रेम सर को कभी देखा है या नहीं देखा है, रामदेव सर को देखा है या नहीं देखा है, ओनली फॉर ऑनलाइन मीटिंग पे, झूम पे हमने सुना है उनको, लेकिन जब आप वहां पे रियलिटी में देखते हैं जाके, तो बहुत वास्तव में सही रियलिटी में जो है देखने से कुछ बात ही वहां पे अलग हो जाती है। तो बहुत मजा आने वाला है आज के सेशन को, बिल्कुल दिल थाम के बैठिएगा। आज मैं ऐसे लीडर्स को इनवाइट करने जा रहा हूं जिन्होंने बहुत कम समय में बहुत अच्छे से यहाँ पे काम किया है और बहुत अच्छे से हमारी टीम को गाइड कर रहे हैं। जब भी सर का सेशन होता है, बहुत अच्छा जो है सर हमें सिखाते हैं, और बहुत ही सर की प्यारी सी आवाज है, मधुर। तो जो सर की आवाज है उसे बहुत बढ़िया से आप जो सुनेंगे, तो आपको लगेगा कि वास्तव में जैसे मैं बता रहा था वैसे ही है सर। तो कितने लोग हैं आज जो है सर को सुनने के लिए एक्साइटेड हैं, रेज योर हैंड, अपना हैंड रेस करें। कितने लोग,
कम से कम 50% सर वोटिंग होनी चाहिए सर के सम्मान में। जब आप किसी को सम्मान देंगे तो आपको भी सम्मान मिलेगा। ग्रेट सर, इतने से आने वाले नहीं है सर, अभी हमारा जो सेशन है वो 100 में तब्दील होने वाला, सॉरी 1000 पे जो है तब्दील होने वाला है, तो कम से कम सर के सम्मान में जो है 50% तो आप लोग जो है हैंड रेस करें। 50% से कम में तो बुलाने वाला भी नहीं हूं मैं, क्योंकि आज जो सर जो प्लानिंग देंगे वो बहुत ही जबरदस्त तरीके की है। और नेक्स्ट ये देव कुमार यादव आप लोगों से वादा करता है, नेक्स्ट LDP अकेले के दम पे होगी, और बिल्कुल मैं अपने खुद के डिस्ट्रिक्ट में कराऊंगा ये आप लोगों से मैं वादा करता हूं। क्योंकि LDP कराने से हमारे सारे लीडर्स जो भी हैं जिनके डाउट होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं, और जो हम 3-6 महीना जो हम वर्क करते हैं, जो हमारे माइंड पे जो प्रेशर रहता है वो सारा रिलीज हो जाता है वहां पे, डांस करके लोगों से मिलके अच्छे होटल में अच्छी फीलिंग्स, ये सारा जो आपका टेंशन होती है वो आपकी टेंशन रिलीज हो जाती है वहां पे। तो चलिए, हमारे 50% लोग भी हो चुके हैं जिन्होंने जो सर को सुनने के लिए एक्साइटेड हैं, और जो है हमारे जो है 1000 लोग जो है कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों, मैं ज्यादा देर ना करते हुए बहुत ही सर को जल्द बुलाने वाला हूं, तो मैं सर को एक शायरी के माध्यम से सर को बुलाना चाहूंगा। 100 चांद भी आ जाएं तो महफिल में वो बात नहीं ना रहेगी, 100 चांद भी आ जाएं तो महफिल में वो बात ना रहेगी, सिर्फ आपके आने से हो महफिल की रौनक बढ़ेगी, आपके आने से महफिल की रौनक बढ़ेगी। सो मोस्ट वेलकम है प्रेम सर, आप आएं और आगे की मीटिंग को कंटिन्यू करें। मोस्ट वेलकम है प्रेम सर। ओके, थैंक यू सो मच मिस्टर देव कुमार यादव सर, मुझे इतने बड़े मंच पे बोलने का मौका दिया। हेलो लीडर्स, दिस साइड प्रेम कुमार फ्रॉम बरेली उत्तर प्रदेश। कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो एक बार आप सभी अपने लिए इतने बड़े कीमती समय निकाल के इतने बड़े मंच पे आपने आने का कष्ट किया, तो इसके लिए आप सभी को मेरी और पूरी इंटायर फाइटर टीम ग्लोबल की तरफ से बहुत बहुत बधाइयां। सो दोस्त, जैसा कि आप सुन रहे थे देव सर के बारे में, आपको बिल्कुल सही है, वो इंडियन आर्मी से हैं और पेंशन उनका आता है। मैं आपको बता दूं, जितना लोग हम कमाने के बारे में सोचते हैं उतना उनका पेंशन आता है, और सर कुछ भी ना करें तो बताते हैं कि 1.5 से 2 लाख 3 लाख के आसपास सरकार ने भी आ जाता है। तो सर ने कहीं ना कहीं ऐसे एसेट बना रखे हैं। तो दोस्त, वो शख्स हमारे बीच में अभी एंकरिंग कर रहे थे, तो मैं चाहूंगा एक बार देव सर के लिए दिल की इमोजी, क्योंकि इंडियन आर्मी के लिए तो हम लोग वैसे भी समझ ही सकते हैं, तो दिल की इमोजी से सर के लिए हम एक बार हम सम्मान देंगे, ताकि सर आप लोगों की वजह से कहीं ना कहीं ये इंडिया सुरक्षित है। क्योंकि दोस्त, एक सैनिक ऐसा होता है जो तन मन धन मातृभूमि के लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। तो सर हमारे रिटायरमेंट भी हो चुके हैं और जस्ट यंग एज है दोस्त, बहुत ही शानदार की पर्सनैलिटी है, जैसी आवाज जैसा नाम वैसा काम भी। सो लीडर्स, अभी हम लोग 2-3 दिन पहले, कल ही हम लोग पहुंचे हैं 27-28 आगरा LDP में। हमारे जितने भी मेंटोर थे, चाहे वो रामदेव सर हों, चाहे पुष्पिंदर सर हों, चाहे हमारे टीम ग्लोबल के फाउंडर मिस्टर यादविंदर सर हों, सभी से मिलने का मौका बहुत ही शानदार का सुपर डुपर हिट हमारा LDP रहा है। और मैं आपको बता दूं लीडर्स, कि वहां पे ये फाइटर टीम ग्लोबल है, जहां पे जाता है अपना एक नाम बनाता है, और लास्ट में आपको कुछ फाइटर्स से सुनने का मौका भी मिलेगा। तो दिल थाम के बिल्कुल लास्ट तक मेरे साथ बने रहे, और वहां से हमें मिली है कुछ प्लानिंग्स, और वो ऐसी प्लानिंग है बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने मेरी 15-20 मिनट की वो प्लानिंग को सुन लिया, वो हमारे मेंटोर्स ने हमें दी है, और हमारी पूरी इंटायर टीम उस प्लानिंग पे लग चुकी है। तो कितने लोग एक्साइटेड है उस प्लानिंग को जानने के लिए? सो प्लीज रेज योर हैंड। क्या बात है, बहुत सारे साथी। लेकिन दोस्त, अगले 15-20 मिनट मेरी इस प्लानिंग को बिल्कुल सुन लेना, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि विश्व के नंबर 1 प्लेटफॉर्म पे अगेन मुझे बोलने का एक बार मौका मिला है, एक बार अगेन ट्रेनिंग देने का मौका मिला है। तो मैं अपना बेस्ट से बेस्ट आपको दूंगा, और
तो दोस्त हम वहां पर गए थे, आपको पता है कि एलडीपी कराना बहुत जरूरी, जैसा सर ने बताया एक तरीके से हमारी गाड़ी की सर्विसिंग हो जाती है और फिर आपका माइंड रिफ्रेशमेंट हो जाता है, जिस तरीके से बोला जाता है ना ब्रेन वॉश। हम सभी का माइंड ब्रेन वॉश हो चुका है और तत्पर हम अगेन वर्किंग करने के लिए तैयार हो चुके हैं। आप सभी को खुशी ये होना चाहिए कि आप वर्क फ्रॉम होम आज भी मैक्सिमम लोग करते हैं। तो दोस्त अब आप किसी को हैंडल्स नहीं करना है जब तक नहीं बताना है। अगर आप फाइटर टीम ग्लोबल में और आप अपना एक छाप छोड़ना चाहते हैं और अपने आप को एक एक्सीलेंट का अवार्ड या डिसिप्लिन का अवार्ड, मैं आपको बता दूं आज तक जितनी भी एलडीपी हुई है कभी किसी को अवार्ड नहीं मिला है, लेकिन हमें इसमें खुश नहीं होना चाहिए। एक्सीलेंट अवार्ड मिला है इस फाइटर टीम ग्लोबल के लिए दोस्त। सो कहीं ना कहीं वो आप समझ ही सकते हैं कि हमारे इवेंट ऑर्गेनाइजर कौन है, मिस्टर भगत सर। उनके जरिए एक इस टीम ने भी फिर से अगेन एक और अवार्ड लिया है। सो दोस्त मैं आज के सेशन को शुरुआत करता हूं और बिल्कुल अब आपको किसी को हैंडल्स नहीं करना, लेकिन 15 से 20 मिनट। अच्छा, कितने लोगों को घर से पैसा लगाने को डर लगता है कि सर अगले स्लॉट जब हम खोलेंगे तो सर हमें पैसा नहीं लगाना है, कितने लोग ऐसा चाहते हैं? एक बार लास्ट हैंडल्स में आपका चाहता हूं दोस्त, और जो हमारे मेंटोर ने हमें जो प्लानिंग्स दिए मैं आपको प्लानिंग बताऊंगा। चलिए, बहुत साथी बिल्कुल सच है कि दोस्त जब हम बिजनेस करने के लिए आते हैं तो हमें पैसा नहीं लगाना होता, एक बार लगाया तो लगाया, उसके बाद हमें लगाना नहीं है। चलिए, बहुत बहुत क्या बात है, बहुत सारे हैंडल्स हो रहे हैं तो अभी हैंडल्स नहीं करना है, क्योंकि बिजनेस में हम आए कमाने के लिए ना कि गंवाने के लिए दोस्त। अगर हमने बार बार हम ही पैसा लगाया तो बिजनेस हो गया, अगर हमारे पास इतना पैसा होता तो शायद मैं और आप इतना बिजनेस को नहीं कर रहे थे। सो दोस्त आप बिल्कुल कोई भी अगर आप उस डिसिप्लिन में वो अवार्ड जैसे चीजों को लेना चाहते हैं तो ये फाइटर टीम ग्लोबल से आप सीख लीजिए, है ना। ये टीम जहां भी जाती है अपना अलग जलवा लेकर आती है, और ये क्योंकि मैंने कभी दो नंबर तीन नंबर पर रहना नहीं सीखा है, हमेशा नंबर वन पे रहना चाहिए। जो भी काम करो शानदार तरीके से करो और आपको नंबर वन रहना है। तो दोस्त हमें प्लानिंग क्या मिलती है, हर व्यक्ति चाहता है कि हम यहाँ से कुछ पैसा कमाएं, कुछ आगे बढ़े, बहुत सारे सपनों को पूरा करें। सो मैं अब अपना स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ और लेके चलता हूँ आपको व्हाइट बोर्ड की तरफ। एक बार देव सर मुझे जरा कंफर्म करें कि मेरा व्हाइट बोर्ड क्लियर है। यस यस सर, कंटिन्यू। ओके सर, ओके। चलिए, हमारे बीच में बहुत सारे ट्रेनर हैं तो इनका एक बार मान और सम्मान से भरा हम थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि इनका आना भी जरूरी है। तो कोहोस्ट साथी एक बार ध्यान दें कि कुछ ऐसे लीडर्स हमारे बीच में हैं जो बहुत ही अच्छे ट्रेनर भी हैं और बहुत अच्छे एक्टर्स भी हैं, जिसमें देखिए रॉकी करके हैं। तो इनको जब भी मौका मिले तो मैं आपको अलाउ करता हूं, जितने भी कोहोस्ट साथी हैं इनको आप रिपोर्ट लगा के रिमूव कर देंगे मान और सम्मान के साथ। सो थैंक यू, क्योंकि ये देखिए कितने अच्छे ट्रेनर हैं, ये रॉकी करके रॉकी भौमिक करके हैं, बहुत अच्छे से ट्रेनिंग देते हैं। देखिए, चलिए, सो थैंक यू, क्योंकि इन्होंने आज तक जिंदगी में कभी कुछ किया नहीं होगा और यहाँ ये कुछ करने का इन्हें मौका मिल रहा है, वैसे तो मौका इन्हें नहीं मिलता है। सो नो डाउट, तो देन मैं स्टार्ट करता हूँ आज के सेशन के लिए दोस्त। और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, आप कितना भी चीजों को करिए लेकिन मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता और नहीं पड़ना चाहिए। तो हर व्यक्ति चाहता है, मैं एक छोटी सी प्लानिंग देता हूं दोस्त, और जो प्लानिंग हमें मिली है उस प्लानिंग पे हम सभी को खड़े उतरना है। आज तारीख हो गई 31 मार्च और कल से हमारा नया साल रियल में शुरू हो जाएगा, और उस नए वक्त में आपको करना क्या है दोस्त, हम पूरे एक महीने की प्लानिंग करेंगे और इस प्लानिंग को आपको समझ देना है 1 अप्रैल से लेके लास्ट 30 अप्रैल तक। क्या बात है, ये अभिषेक सर है, देखिए कितना बढ़िया पेंटिंग लिखते हैं। अभिषेक सर लिखिए जरा, मैं बोलता हूं आपको 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक आपको क्या करना है। चलिए कोई नहीं, 1 अप्रैल से लेके आपको 30 अप्रैल के बीच में करना क्या है लीडर्स, वो आपको थोड़ा सा क्लियर करना है। हम सबको देखिए कॉलिंग्स करनी है, अगर हमें इस बिजनेस में लाखों करोड़ों रुपए कमाना है सबसे पहले आपको रिजेक्शन से झेलने आने चाहिए। जैसे अभी कुछ रिजेक्शन जो हैं आपके बीच में हैं, इस तरीके के भी बहुत सारे रिजेक्शन आपको आएंगे दोस्त, और रिजेक्शन आने के बाद ही आप बहुत सारी चीजों को कर पाएंगे।
सो आपको करना क्या है दोस्त, एक छोटा सा उन्होंने प्लानिंग दिया था हमारे मेंटोर ने, और उस प्लानिंग पे आज हम लोग वर्किंग कर रहे हैं और कर ही नहीं रहे, करना शुरू कर दिया। मतलब 1 अप्रैल से लेके 30 तारीख तक का टाइम होता है दोस्त, मैं थोड़ा सा मार्कर ले लेता हूँ, 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक, ये पूरा आपका 1 महीने का टाइम होता है। और इस 1 महीने के दरमियान में आपको करना क्या है, आपको करनी है कुछ कॉलिंग्स, और हर व्यक्ति को अगर रियल में आप घर से पैसा नहीं लगाने चाहते तो बिग बॉस कुछ 1 या 2 सेशन को लेने के बाद आप एक प्लानिंग जरूर कर सकते हैं। उस प्लानिंग का नाम क्या है, आपको कम से कम 30 से 50 कॉल पर डे करनी है। कितने लोग चाहते हैं एक बार मुझे हैंडेस कर दीजिए कि सर हम आज के बाद 30 से 50 कॉल पर डे करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब देखिए दोस्त, अगर आप 30 से 50 कॉल करते हैं, मैं एक छोटा सा एवरेज लेता हूं, आज के बाद नंबर आपको कहां से मिलेंगे वो बता दे रहा हूं। सोशल मीडिया पे जाइए, कोई भी व्यक्ति आपसे बोलता है, तमाम लोग अपना प्लान देते हैं। अगर आपको नए लोग हैं, आपको कॉल करना नहीं आता है, आपने आज ज्वाइन किया है कल किया, आपकी जीरो की टीम है, तो आपको क्या करना है, बाग्रेट बहुत साथियों को 238-240 लोगों को बिल्कुल कॉल करना है। आपको अगर कॉलिंग बिल्कुल नहीं करना है तो सामने वाले व्यक्ति का प्लान लेना शुरू कि सर आपको हमने सोशल मीडिया पर नंबर लिया था, सर आपका कुछ प्लान है प्लीज, मैं कुछ नहीं करता हूं, आप मुझे बताइए। वो जो बताएगा ना उसके अकॉर्डिंग आप सीख लीजिए, और उसको जब धीरे 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 मुलाकात हो जाए तो आप अपने प्लान की तरफ लेके चले आइए। बड़ा सिंपल सा तरीका। तो नंबर सोशल मीडिया गूगल पे आपको इतने मिल जाएंगे जो उससे ज्यादा। सो आपको कम से कम मिनिमम अगर आपको एक अच्छा अमाउंट कमाना है लीडर्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम आपको 30 कॉल पर डे करनी पड़ेगी। कितनी कॉल, मिनिमम अगर आप 30 कॉलिंग करते हैं और 1 महीने में 30 दिन का कॉल होता है तो आपको टोटल 900 कॉल्स होती हैं। लीडर्स अगर 900 कॉल का मैं बात करूं तो 900 में 900 व्यक्ति तो आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे। आपका सबसे पहला मिनिमम अगर आपको अच्छी अर्निंग करनी है तो 30 डायरेक्ट पे फोकस करनी है। और 30 डायरेक्ट कैसे होंगे, जब आपकी 900 कॉल चढ़ेंगी तो 900 कॉल में लीडर्स होगा क्या, आखिरकार 900 कॉलिंग में आपको क्या करना है, इसमें से घटिया से 870 को तो आप साइड निकाल दीजिए, 870 लोग नहीं काम करेंगे, लेकिन इसमें से आपके 30 लोग आ जाएंगे। और ये 30 लोग को आपको करना क्या है, पहले दिमाग में 2 पैकेज डाल लीजिए, मिनिमम 2 पैकेज से आपको इन्हें ज्वाइन कराना है। वो 2 पैकेज कौन कौन से होंगे ये आपने लिख लिया होगा, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 1 महीने की पूरी प्लानिंग करनी है और 30 कॉलें मिनिमम पर डे करनी है। और उस कॉलिंग्स के बाद 900 कॉल होती है, 870 काम नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोग आपके साथ काम जरूर ही करेंगे। सो जितने भी कोहर्स ने एक बार, अगर इतने मुश्किल से 10-15 लोग होते हैं, थोड़े से जैसे हाथी चले बेजार कुत्ते भौंके हजार वो वाला कहानी है, तो कुछ लोग इस टाइप के होते हैं, तो इनको रिमूव करके रिपोर्ट लगाते रहिए ताकि नए लोगों को मौका मिल जाए। कुछ बहुत अच्छे साथी हैं जो वेटिंग में हैं, बेचारे नहीं आ पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों की वजह से उन लोगों का भी मौका नहीं मिलने वाला। तो दोस्त 30 लोगों को कम से कम आपके पास 3 पैकेज देखिए, किसी भी कंपनी में हमने एक्स कंपनी में ज्वाइनिंग ली है तो हर जगह कुछ ना कुछ पैकेज होते हैं। पहला पैकेज आपका 7,000 रुपये का होना चाहिए, दूसरा पैकेज आपका 14,000 रुपये का होना चाहिए, और तीसरा पैकेज आपका 28,000 रुपये का। जब हम किसी को ये 3 पैकेज से ज्वाइन कराएंगे ना, तो 3 पैकेज से ज्वाइन कराने के बाद दोस्त सामने वाला बोलेगा सबसे छोटा पैकेज हमारे पास 7,000 है, हमें ऑप्शन ही नहीं रखना है। जब हम बहुत सारे ऑप्शन रख देते हैं तो 1200 से ज्वाइन कर लो, 2000 से, तो क्योंकि मेहनत उतनी पड़नी, चाहे 2000 से ज्वाइन कराओ चाहे 10,000 से चाहे 28,000। आपको करना क्या, ये 3 पैकेज हैं, पहला पैकेज 7,000 का X3 में 3 स्लॉट और X4 में 3 स्लॉट, X3 और X4 प्रोग्राम में 3 3 स्लॉट आपको लेने हैं, ठीक है। ये पैकेज लगभग आपका 7,000 रुपये के आसपास बैठता है। अगर हमारे 900 कॉल मैंने की और 900 कॉल में केवल 30 लोग ज्वाइन करते हैं, तो एक व्यक्ति से हमें जो मिनिमम डॉलर आता है वो 30 लोगों में से $35 आएगा एक व्यक्ति से। X3 और X4 दोनों को मैंने कैलकुलेट कर दिया है, कंबाइंड कर दिया है, ये रिसाइकिल की भी इसमें हट जाएगा क्योंकि आपको X4 से भी पैसा मिलने वाला है, राइट। तो 35 लोगों से अगर 30 लोगों से 35 USD हमें मिला तो $1,050 की अर्निंग होती है हमारी पहले मंथ में, राइट। ये होता है हमारा, अगर हम 1050 को 88 से गुणा करेंगे तो ये होता है हमारा 92,000 रुपए की अर्निंग।
अब लीडर्स आपके X3 में 3 स्लॉट हो चुके हैं, X4 में 3 स्लॉट हो चुके हैं, तो आप मुझे बताइए अगर आपसे कहा जाए कि आप 10,000 रुपए लगा सकते हैं तो आप कितने लोग हैंडेस कर रहे हैं कि सर बिल्कुल 92,000 रुपए कमाने के बाद मैं 10,000 रुपए लगा सकता हूँ, 82,000 रुपए, और 10,000 रुपए भी नहीं लगाना है आपको, क्या करना है लीडर्स? एक स्लॉट X4 में चौथा खोलना है, X3 में, X4 में एक एक स्लॉट खोलना है, चौथा वाला जो $80, ये टोटल आपको लगभग 8, 9, 72 लगभग 7,000 रुपए आपको लगाना है, बाकी आपको पे जितना भी बचता है 80, 85, 83,000 रुपए, 85, 86,000 रुपए आप पूरा अपने अकाउंट में ले लीजिए, अपना खर्चा कर लीजिए। अब आपके साथ पहले मंथ जो 30 लोग ज्वाइन करेंगे, जब आपको 4-4 स्लॉट आप खोलेंगे है ना, तो आपको $75-75 कितने लोगों से मिलने वाला है दोस्त? लगभग आपको 22 से 24 लोगों से आपको मिलने वाला है। अब $25-25 अगर इनसे मिला मेरे दोस्त, मैं एक मोटा एग्जाम्पल ले रहा हूं, जब इनको भी सेम प्लानिंग आपको देते हैं, हम लोग दिक्कत गलती कहां करते हैं कि हम तो प्लानिंग ले लेते हैं लेकिन अपनी टीम में प्लानिंग नहीं देने वाले। आपकी टीम में 30 नए व्यक्ति आ चुके हैं, आपने 92,000 रुपए कमाया, अगले स्लॉट के लिए एक एक स्लॉट X4 में चौथा खोलना है और X3 में भी आपको चौथा वाला खोलना है, राइट? $80 आपको और लगाना है। अब आपकी टीम में 30 लोग आ चुके हैं, उनको सेम प्लानिंग दी है, अगले महीने अगर वो करे यही 4-4 स्लॉट तक आते हैं X3 X4 में, तो कम से कम 25 लोगों से आपको पेमेंट आने वाला है। अब 25 लोगों से आपको कितना पेमेंट आएगा, केवल हम छोटा सा गन, 25 लोगों से हमें कितना पेमेंट आएगा, $30-30 मान लेते हैं, लेकिन आएगा तो $35, $750 आपको और आने वाला है दोस्त। ये लगभग लगभग आपका 70,000 प्लस ऑटोमेटिकली आपको किससे आएगा, X3 प्रोग्राम से आ जाएगा, केवल अपग्रेड करने पे। X4 को छोड़ दीजिए और आपको अपनी प्लानिंग बरकरार रखनी है दोस्त। अब ये आप मुझे बताइए कि कितने साथी बोल रहे हैं सर आज के बाद हम पैसा घर से बिल्कुल नहीं लगाएंगे, जो आपने लगाया कम से कम 3-3, अब जब अगले महीने आपको 70,000 आपके मेहनत से आ गया और आप कम से कम 10 लोगों को और ज्वाइन करा सकते, क्योंकि अभी आपके टीम पे बर्डन बढ़ चुका है, अगर आपने फिर से 10 लोगों को और ज्वाइन कराया तो आप पांचवा स्लॉट आसानी से खोल सकते हैं। जब आपके पास 1,00,000 प्लस रुपए आया, अगर मैं आपसे बोलूं कि सर 1,00,000 रुपए आपके पास आ गया है तो आप 10,000 रुपए लगा दीजिए, तो लगा सकते हैं ना। कितने लोग बोल रहे हैं कि सर अगर इस तरीके से हमने वर्किंग किया तो बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर दोस्त इसको आपने 14,000 वाले पैकेज से लिया तो यही इनकम आपकी 2,00,000 से ऊपर होती है। अगर इसको आपने 28,000 वाले पैकेज से शुरुआत कराया सेम लोगों के लिए तो यही इनकम आपकी 4,00,000 प्लस क्रॉस करती है, राइट? तो आपको आज के बाद 3 पैकेज पे आपको ध्यान देना है। पहले मैं बता दे रहा हूं कि पहला पैकेज 7,000 रुपए, 14,000 रुपए और 28,000 रुपए, राइट? आपको कॉलिंग करनी है तो कॉलिंग में देखिए बहुत सारे रिजेक्शन आएंगे, और आपको मैं बता दूं दोस्त, अब मेरा जो बताने का काम है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, और जितने भी साथी हैं आप पेंशन चलाना चाहें तो बिल्कुल आप मुझे हैंडेस करें, मैं आपको मौका दूंगा बोलने का, है ना? लेकिन आप परफेक्ट मुझे दिखेंगे तब मुझे पता चल जाएगा कि आप मीटिंग में कितना आते हैं। सो थैंक यू लीडर्स। अब मैं आपको बता रहा हूँ लीडर्स, अब कितने साथी कह रहे हैं कि सर आपने जो प्लानिंग दिया आज के बाद हम इस प्लानिंग पे लग जाएंगे, एक बार फाइनली मुझे हैंडेस कर दीजिए दोस्त। अब इसके बीच में जब आप कॉलिंग करेंगे तो आपके पास बहुत सारे रिजेक्शंस भी आने वाले हैं, कुछ लोग बोलेंगे फ्रॉड है, कुछ लोग ऐसा है, कुछ लोग वैसा है, तो वो रिजेक्शन को कैसे आप फेवर करेंगे? क्योंकि मेरे बीच में भी बहुत सारे आगरा LTP को क्वालिफाई किए हुए हैं और इनके अंदर वो जुनून है, वो जज्बा है, वो जलवा है, जिसको देख के आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं मेरे दोस्त। तो मैं अब बुलाने जा रहा हूं जितने भी लोग मेरे साथ अभी आगरा LTP में गए थे, एक बार वो सभी साथी हैंडेस कर लीजिए और मैं उन सभी साथियों को मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं दोस्त, और देखिए आज इस फाइटर टीम का जलवा क्या है, क्योंकि इससे पहले इनके माइंड में भी बहुत सारे डाउट्स थे और इसमें से भी 38-40 लोग हैं, इसमें से भी मैं आपको कुछ ऐसे एक्टिव लीडर को से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने मोस्ट एक्टिव लीडर का अवार्ड भी जीता है दोस्त। एक तो एक्टिव लीडर ये सभी हैं और इसमें से भी कुछ मोस्ट एक्टिव लीडर हैं जो अवार्ड भी जीत कर लाए हैं,
तो सबसे पहले मेरे बीच में जो बहुत ही प्यारा सा नाम है जो आपके सामने एंकरिंग कर रहे थे, मिस्टर देव कुमार यादव सर, सर कुछ यूनिक शब्द बताइए, जब आप नहीं गए थे तो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर क्या था, और आप एलडीपी में जब गए हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस क्या था। सो प्लीज वेलकम सर, मिस्टर देव कुमार यादव सर, स्वागत है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रेम सर, आपने जो है मुझे दोबारा बोलने का मौका दिया, और सभी साथियों को नमस्कार। पहले तो मैं उन लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा जो लोग व्हाइट बोर्ड पे अपना जो है अपनी पेंसिल चला रहे थे। देखिए, कितनी भी आंधी आए, कितने भी तूफान आए, जिसका मकसद क्लियर है, जिसका रास्ता क्लियर है, यदि उस पर रास्ते पे पेड़ भी काट के आप डाल दो तो उसके लिए भी हटा के उसे जाना है वहां तक। तो कितनी भी अड़चने आए, आप लोग जितना भी मक्कारी कर सकते हैं, जो भी मक्कार लोग हैं वो मक्कारी करते रहे। मैंने 8-10 को रिमूव कर दिया था, तो मक्कारी करने से आप बाज नहीं आओगे। बोलते ना कि एक बाबा थे और वो नदी में स्नान कर रहे थे, और जब वो स्नान कर रहे थे तो वहां पे एक बिच्छू आ जाता है, और वो बाबा बिच्छू डूब रहा होता है नदी में, पानी में, तो बाबा बार बार उस बिच्छू को उठा के बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। जितनी बार वो बाहर निकालने की कोशिश करते हैं वो उतनी बार डंक मारता है। तो लोग बोल रहे हैं कि अरे बाबा आप इससे क्यों उपकार कर रहे हो, ये बार बार आपको डंक मार रहा है और आप बार बार निकाल रहे हो। तो बाबा ने बोला कि इसका काम है डंक मारने का और मेरा काम है भला करने का, इसको बचाने का। तो जब ये अपने काम से विचलित नहीं हो सकता, अपने डंक मारने से ये नहीं चूक सकता, तो हम यार अच्छा काम कर रहे हैं तो हम उससे क्यों चूकें। तो दोस्त, आप कितना भी गलत कर लीजिए, हमारा जो अगर वे है हम उसकी पे जाएंगे ही जाएंगे, आप कोई भी रोक नहीं सकते। तो जो अराजक तत्व आ जाते हैं मीटिंग में, उन लोगों को, सभी लोग जो भी हम पॉजिटिव माइंड जो यहाँ पे बिजनेस को लेके आए, बहुत बड़े लेवल पे हम काम करने वाले हैं, उन लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, और जो भी कोहोर्ट साथी बनते हैं उनको विशेष ध्यान रखना है, ऐसे अराजक तत्वों को निकाल के बाहर फेंक देना है मीटिंग से। तो सर, हम लोग जो है आज से पहले, मुझे 6 महीना कंप्लीट हो गए हैं सिस्टम को करते हुए, और 20 लाख प्लस की मेरी अर्निंग है। तो मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा कि मैं जब इस सिस्टम में आया था तो मेरे भी कुछ डाउट थे, क्योंकि मैं प्रेम सर, महेंद्र सर की टीम में, कुछ बघेल सर मेरे ग्रेट अपलायंस हैं, उनकी टीम में मैं जब आया था, लेकिन 6 महीने तक हम एक दूसरे से फिजिकली नहीं मिले थे। तो ये सारी चीजें डाउट थी, कल को कोई बात होती है तो हम किसे देखेंगे, कौन है, हमने तो आज तक अपने अपलायन को देखा ही नहीं है। तो आगरा एलडीपी में जब हम लोग गए तो वहां पे एक्चुअल में रियलिटी बता रहा हूँ, जो चीज मैंने ऑनलाइन देखी थी, जब हम उन लोगों से ऑफलाइन मिले तो वास्तव में हमारे सारे जो है दिमाग के जो फुंतरू थे ना, जो फालतू में जो फ्यूज हो रखे थे, वो ऑटोमेटिकली सारे बल्ब जल गए, क्योंकि जो चीज हमने सुनी थी तो वहां पे जब हमने देखी जाके, तो वास्तव में रियलिटी वहां से कुछ कई गुना ज्यादा वहां पे रियलिटी हमें देखने को मिली। और वो आगरा एलडीपी का जो अरेंजमेंट कराया था, वो डांस करने का मजा, वो खाने का मजा, रहने का मजा, और जो हमारे ग्रेट मेंटोर रामदेव सर और यादविंदर सर, प्रेम सर, महेंद्र सर, इन लोगों से जब मैं फिजिकली मिला तो वास्तव में कई चीजें मेरे अंदर भी थी, वो सारी निकल के बाहर हो गई, और मैंने बहुत कुछ सर से सीखा, यादविंदर सर से इतना कुछ सीखा। सबसे पहले तो मेरा जो माइंड में जो कीड़ा बैठा हुआ था ईगो वाला, वो मेरा दूर हो गया। यार, जो व्यक्ति 3-4 करोड़ रुपए कमा के वहां पे हमारे साथ ऐसे करके बैठ के बात कर रहे हैं जैसे कि कोई एक नॉर्मल आदमी हो, और बहुत कम समय में। तो रियलिटी है कि सर, पैसा ही सब, मतलब पैसे से कुछ लोग जो है बोलते हैं कि कनक कनक से मादकता, सॉरी, या कनक बोलते हैं ना कि, या कनक को या खाए बौरा है या पाए बौरा है। तो दो चीजें हैं, एक कनक गेहूं होता है उसको खाता है आदमी तब बौरा जाता है, और एक को सोना होता है उसको पाकर के बौरा जाता है। तो वो चीजें हमारे यादविंदर सर के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। सॉरी, कनक जो एक धतूरा होता है, सॉरी गेहूं नहीं, धतूरे को जो अगर आदमी खा ले तो वो पागल हो जाता है, और एक सोना है उसको खा ले तो वो सोना मिल जाए तो वो पागल हो जाता है, मतलब उसके अंदर ईगो आ जाता है। तो वो सारी चीजें हमें वहां पे वो उस चीज को नहीं ले जाना है, हमें यहाँ से बहुत बड़े विजन, हमारे जो एलडीपी से जो है जो लोगों के डाउट होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं, और जो हमारे सीनियर अप्लायंस से जो बहुत बड़े लेवल की जो हमें प्लानिंग हमें लेनी होती है वो वहां पे जाके हमारी प्लानिंग भी हो जाती है। तो बहुत मजा आया, हर एक चीज, मोस्ट बेस्ट एक्टिव लीडर का अवार्ड भी लिया,
क्योंकि एक्टिव हर एक चीज है, हम सब लोग वैसा कमाने के लिए तो आए ही हैं, लेकिन कुछ हमारी एक्टिविटी जो होती है वो अलग करनी होती है, हमें एक्स्ट्रा करनी होती है। मान लो मीटिंग आज जो अगर किसी की है और वो जो अगर लीडर प्रेजेंट नहीं है, तो उसमें हमें सहभागिता अपनी दिखानी है, थोड़ा वहां पे एक्टिव रहना है, क्योंकि हर एक चीज, जैसे अभी यादवेंद्र सर नहीं होते हैं तो नेमराज मीना सर हैं, वो जो होता है बहुत ज्यादा एक्टिव, संजय वर्मा सर हैं जो प्लान प्रमोट, शिवम सर हैं, एक संगीता मैम हैं, एक कमांडो, कई लोग हैं बहुत ज्यादा वहां पे लीडर होते हैं नेशनल सेशन में। तो ऐसे ही हमें नेशनल सेशन में वो लोग कैसे पहुंचे हैं, हमारे और आपके जैसे ही वो भी थे, आज उन्होंने एक्टिविटी दिखाई, अपनी जिम्मेवारी ली और वो वहां तक पहुंच गए। तो सो लीडर्स, हमें भी वही एक्टिविटी को लेकर और हमें भी वहां तक पहुंचना है। आज जो फोटो यादवेंद्र सर का और रामदेव सर का लगता है, मैं ये जलन लेके आया हूँ उस LDP से, बहुत जल्द ही वो LDP में हमारी भी LDP जो होगी, तो उसमें वहां उस जगह पे हमारा भी फोटो होना चाहिए। तो मैं ये जलन लेके आया हूँ रामदेव सर से और यादवेंद्र सर से कि हमारा भी फोटो वहां पे लगना चाहिए जहां पे यादवेंद्र और रामदेव सर का लगता है। सो सर, आगे की मीटिंग को आप कंटिन्यू करिए, मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। ओके, थैंक यू सो मच। सो लीडर्स, मैं आपको एक चीज बता दूं, देखिए जो मेरा बताने का मकसद था, आप सारे लोग भी अगर इस पे बाइक बोर्ड चलाते तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे जो बताना था मैं बता के चला गया। कुछ लोगों ने इस प्लानिंग को बहुत अच्छे से लिया होगा, अगर उसने भी फॉलो कर लिया तो मैं बता रहा हूँ आप बहुत अच्छे लेवल पे होगे अगले 1 से 2 महीने में। और जिन्हें नहीं करना उसे कोई नहीं, तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कम से कम 10 ऐसे आइटम बम है दोस्त, उनमें आइटम बमों से आपको मिलवाने जा रहा हूँ, आपके बिल्कुल रोंगटे खड़े होने वाले, बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले मैं बुलाने जा रहा हूँ हमारे बीच में एक बहुत ही शानदार के लीडर है, मिस्टर राकेश पाल सर, बदायूं से हैं। सर आपका स्वागत, और सर दिखाइए आज जलवा की LDP का जलवा क्या था, और दिखाइए हमारे 953 लोगों के लिए कि दोस्त आप गदर मचाते रहो, आप देखते रहो और हम दिखाते रहें। तो प्लीज वेलकम सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। प्रेम सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे इतने बड़े मंच पे बोलने का मौका दिया। साथियों नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर राकेश पाल फ्रॉम बदायूं। साथियों थोड़ा सा बताना चाहेंगे, जो LDP का जो मजा रहा हमारा, बहुत ही सक्सेसफुल रहा है साथियों, और इतने कम समय के अंदर हम लोगों को जो अचीवमेंट मिला है, मतलब ट्रॉफी वगैरह, सम्मान वगैरह, वो स्टेज पे बोलने का मौका, खाने पीने का प्रोग्राम बहुत VIP था साथियों, तो वाकई में लाइफ चेंज हो गई साथियों। और जो मेरे ग्रेट अप्लायर है, थोड़ा उनके बारे में बता देता हूँ कि वो थोड़े जो है मेरे इंडियन आर्मी से देवसर हैं, उनके बारे में बता देता हूँ, उनकी टीम में काम करता हूँ साथियों, तो बहुत मजा आएगा साथियों। और बात रही सिस्टम की, तो सिस्टम बहुत जबरदस्त है, आप बकायदा नो टेंशन होकर वर्क करिए। और यादवेंद्र सर ने जो हमें प्लानिंग दी साथियों, वाकई में माइंड ब्लोइंग कर दिया साथियों, उनके साथ बैठ करके हमने रात में 3 बजे तक प्लानिंग की है, और 1% भी हमें ना नींद आई और ना सर को आई, क्योंकि सर तो इतने मतलब नॉर्मल जो उसमें रहते हैं, इतना पैसा कमाने के बाद में साथियों पता ही नहीं चला कि सर ने 3 करोड़ या 4 करोड़ भी ऐसा कमा लिया है, ऐसे लग रहा था बिल्कुल आम नॉर्मल बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये, अगर आप अपने अड़ोस पड़ोस में भी किसी को देखेंगे, अगर कोई बंदा 20,000-50,000 भी महीने में कमाता होगा ना, वो भी साला सीना चौड़ा कर, किसी प्रकार का है नहीं, नॉर्मल रहते हैं बिल्कुल फिजिकल। इस तरीके से मिले हम, जैसे कि हमारे बहुत पुराने संबंध होंगे सर से, या कई बार हम मिल चुके होंगे, जबकि फर्स्ट बार हम लोग मिले थे। तो बाकी में सर मजा आ गया, माइंड ब्लोइंग हो गया, और बिजनेस की बात रही तो धमाका लग चुका है, आग लग चुकी सर सीने में, तो बहुत जल्द खुशखबरी भी मिलेगी, क्योंकि आज आइडिया कई एक निकलने वाली है साथियों, तो बहुत मजा आएगा साथियों। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा मैसेज दिया। तो दोस्तों बिल्कुल मेरे साथ बने रहें, और मैं आपको दूसरे आइटम नंबर से बुलाने जा रहा हूं, जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं दोस्त, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत कम समय में एक अच्छी इनकम की है। आइए जानते हैं उनसे कि LDP का मजा क्या था, आगरे के वो ताजमहल का मजा, और वहां से प्लानिंग के बाद सर आगे की प्लानिंग क्या है। सो प्लीज मोस्ट वेलकम मिस्टर रामाधार सर फ्रॉम बरेली, आपका स्वागत है सर, सॉरी दिल्ली। थैंक यू सो मच सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। BIST के नंबर 1 प्लेटफॉर्म पे आज सबसे पहली बार मुझे कोहोस्ट बनने का मौका मिला है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और दूसरा धन्यवाद आपका करना चाहूंगा, आपने जो आपका जो सेशन था अभी, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही अच्छा प्लान प्रेजेंट किया आपने। और मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा, जो लोग पेंशन चला रहे थे उनके लिए कहना चाहता हूँ, समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी हैं। तो सर आप जो बता रहे थे वो मैंने तो कर लिया कॉपी पर नोट, और जो हमारे जिन लोगों का विजन क्लियर है, उनको पैसा कमाना है, वो लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैंने भी कर लिया है सर।
तो आप लोग ऐसे ही पेंशन चलाते रहिए, भगवान आपकी यही माइंडसेट बना के रखे कि आप जिंदगी भर पेंशन ही चलाएं। तो सर आगे मैं बताना चाहूंगा एलडीपी के बारे में, मेरी लाइफ का पहला एलडीपी था। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा, मैं दिल्ली में एक टैक्सी चलाता हूँ और टैक्सी चलाते चलाते इस काम को करता हूँ, और मेरी लाइफ की पहली एलडीपी थी। इतना सम्मान, इतनी इज्जत, और जो कहते हैं ना कि ग्रैंड वेलकम, मैंने अपनी 38 साल की एज में मेरे को कभी नहीं मिला। जो सम्मान मेरे को मिला था, और जो मेरे ग्रेट मेंटर मिस्टर रामदेव सर से मिलने का मौका, रामदेव सर ऐसे मिल रहे थे सभी लोगों से, ऐसे मिल रहे थे मानो हम कितने पुराने गांव के, बहुत गांव मतलब एक गांव के हैं और एक गांव के रहने वाले, और हमारी बहुत पुरानी जान पहचान है। हमें ये महसूस ही नहीं होने दिया सर ने कि यार हम लोग तो आज पहली बार मिले हैं। तो वो सर मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। और दूसरा मैं अपने राजेंद्र सर के बारे में बताना चाहूंगा, सर का जो एटीट्यूड, जो पहनावा और जो बोलने का तरीका, मैं तो सर से आज पहली बार मिला हूं लाइफ में, देख के दंग रह गया कि यार करोड़पति लोग ऐसे भी होते हैं। तो और एलडीपी के बारे में बताना चाहूंगा, इतनी जबरदस्त एलडीपी, और जो बेस्ट एलडीपी का अवार्ड हमारे भगत सर के द्वारा मिला, मैं बस बयान ही करना चाहता अपने शब्दों में। और हमारे जो ग्रेट मेंटर, हमारे महागुरु मिस्टर राजेंद्र सर ने जो हमें 3 बजे तक बैठ के जो गुरु मंत्र दिया है, जहां से हमें करोड़पति की प्लानिंग दी है, बाकी लाजवाब जबरदस्त, मैं कुछ अपने शब्दों में तो बयान ही नहीं कर पाऊंगा। तो आगरा एलडीपी इतना जबरदस्त प्रोग्राम, और हमारा जो आगरा का जो ताजमहल हम देखने गए थे, हमारे 100 लीडर गए थे, 100 लीडर में से शायद ही 2-4 लीडर ऐसे होंगे जिन लोगों को 4-4 नंबर रास्ते में लोगों ने नहीं दिया। यहाँ तक आर्मी मैन, पुलिस, ऑटो वाले, रिक्शे वाले हमारी ड्रेस को देख के लिए बोल रहे हैं, भाई साहब क्या है ये, कौन सा ये क्या है, ये कौन सी आंधी है। तो हमने बोला सर आप अपना नंबर दीजिए, अभी हमारे पास समय नहीं है, अभी हम लोग जरा आगरा का ताजमहल देखने जा रहे हैं। तो सर मैं अगेन थैंक यू करना चाहूंगा, आपने मुझे इतने बड़े मंच पे इनवाइट किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे के सेशन कंटिन्यू करिए, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। ओके थैंक यू सर। ओके रामाधर सर, बहुत ही अच्छा मैसेज दिया आपने हमारे सभी साथियों के लिए। तो नेक्स्ट हमारे बीच में है अमन पाल जी हैं। अमन पाल जी, मैंने आपको अनम्यूट की कमांड दी है, सो मोस्ट वेलकम है अमन जी। ओके थैंक यू सर, जो मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया। सर मैं निकल चुका हूँ, दिल्ली रवाना हो चुका हूँ, और तांडव मचाना है आज, तो मैं सभी लोगों को ऐड कराऊंगा। अब यहाँ से अलापुर से निकल चुका हूँ, बधाइयों से दिल्ली पहुंचने वाला हूँ कुछ देर में, और आईडी धड़ाधड़ लगना है और तांडव मचाना है एलडीपी में, कि हमें अपनी भी एलडीपी कराना है और बहुत आगे जाना है सर। थैंक यू सर। ओके चलिए, हमारे बीच में सुरेश कुमार प्रजापति सर हैं, सो मोस्ट वेलकम है सुरेश सर आपका। सुरेश कुमार प्रजापति जी, आप भी 2 मिनट जो अगर आपके पास समय है तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। ओके गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स, Myself सुरेश प्रजापति फ्रॉम नोएडा। दोस्तों बहुत ही, सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा देव सर का कि जिन्होंने मुझे इस सेशन में बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों एलडीपी की जो बात चल रही है अभी, तो एलडीपी के बारे में आपको हम क्या बताएं, वाकई में अल्फाज नहीं होते वहाँ की जो बातें हैं, वहाँ के जो वहाँ जो सीखने का मिला, जो वहाँ का माहौल रहा है, हमारे पास ऐसे शब्द नहीं है कि जो हम उसको बयां कर पाएं। बट एक्सपीरियंस ये रहा है कि हम इतने बड़े बड़े मेंटर्स को मिले हैं, और उनका जो स्वभाव देखा, उनका जो एटीट्यूड देखा, वाकई में इतना पोलाइटली, इतना बेहतरीन तरीके से वो बोलते हैं, और ऐसा फील ही नहीं हुआ उनके साथ कि हम लोग कहीं बाहर से आए हैं और जो है कि उनसे हम पहली बार मिल रहे हैं। हर किसी से इतना मिलजुल कर, इतना बेहतरीन तरीके से उन्होंने वेलकम किया लोगों का, इतनी बेहतरीन तरीके से अपने एक्सपीरियंस शेयर किए उन्होंने, जो उनके लाइफ में, जो फोर्सेस करने में जो उनको दिक्कतें आई, वो सारी चीज़ें हम लोगों को बताया उन्होंने, और हम लोगों को जो गुरु मंत्र दिया उन्होंने कि जिस इस तरह से करोगे तो आप लोग भी एक दिन करोड़पति बनोगे, वो भी हम लोग लेके आए हैं। और आज इस मीटिंग के जरिए हमारे सभी लोगों को, सभी दोस्तों को ये बताया जा रहा है, जितने भी लोग फोर्सेस सिस्टम से जुड़े हुए हैं,
अगर वो मीटिंग वहाँ एलडीपी में गए नहीं गए कोई बात नहीं, मैं एंटर नहीं किया, जो गए वो लोगों ने सब कुछ सामने से देखा, जो नहीं गए हैं तो हम लोगों के जरिए ये उस चीज को फील कर पा रहे होंगे। तो दोस्तों बस यही है जो गुरु मंत्र भी हमारे ग्रेट मेंटोर मिस्टर प्रेम सर ने दिया है, बहुत ही लाजवाब प्लान दिया है, इस प्लान पे हमें सभी को काम करना है और हमें बहुत आगे तक बढ़ना है। तो थैंक यू सो मच सर, आपने हमें मौका दिया, थैंक यू सो मच, ओवर टू गुड। ओके, हमारे बीच में नेक्स्ट लीडर हैं मिस्टर कुश बघेल जी हैं, सो मोस्ट वेलकम है कुश बघेल सर आपका। कुश बघेल सर जो अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो मोस्ट वेलकम है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया इतने बड़े मंच के अंदर से, तहे दिल से थैंक सर। और आज का एंकरिंग सर बहुत ही शानदार रहा सर, आपका बहुत ही जबरदस्त रहा। और हमारे जो मेंटोर है मिस्टर प्रेम सर जो बरेली से बिलोंग करते हैं, वो तो जब भी आते हैं तो कुछ नया लेके आते हैं। दोस्त जितने भी लोगों ने आज जो प्लानिंग ली सर से, उसमें से अगर 100% नहीं कर पाओ मेरे दोस्त, तो 50% भी कर लिया तो आप लाखों रुपए की इनकम कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत ही ईजी है। पर डे 30 कॉल करना बहुत ही इजी है। नंबर कहाँ से मिलेंगे? गूगल बाबा सब दे सकता है आपको, नंबर वगैरह सारी चीज दे सकता है, लेकिन करना पड़ेगा दोस्त। बहुत सारे ग्रुप के अंदर भी आपको कमेंट के अंदर बहुत सारे फोन नंबर मिल जाते हैं, वहां से भी आप फोन नंबर ले सकते हैं। तो आप पर डे 30 कॉल करेंगे मेरे दोस्त, पूरे महीने के अंदर आप 900 कॉल करते हो, और 900 में से अगर 870 लोगों ने भी मना कर दिया तो 30 लोग अगर इस सिस्टम के अंदर इस सिस्टम को समझ गए और ज्वाइन कर लिया तो आप लाखों रुपए इनकम कर सकते हो दोस्त। और 30 लोग ऐसे मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे आपको जो एक्टिव नहीं होंगे, बहुत ही ज्यादा एक्टिव मिलेंगे आपको दोस्त, लेकिन आपको 900 लोगों से गुजरना पड़ेगा। आप सोचो कि मैं 30 लोगों से बात करके उसमें से देख लूं, वो नहीं हो सकता दोस्त, क्योंकि थोड़ा मेरी मार्केट में शॉप है तो थोड़ा सा क्या शोर सवार हो रहा होगा गाड़ी वगैरह का। मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, हम लोग जो आगरा एलडीपी के अंदर गए थे दोस्त, बहुत ही मजा आया, फुल एंजॉय किया, और एंजॉय करने के साथ साथ एक सम्मान, आज हर एक व्यक्ति चाहता है सम्मान, एक सम्मान बेहतरीन तरीके से मिला, और एक एक्टिव लीडर का जो हमें अवार्ड मिला हमें मिला। और सबसे खुशी की बात यह है कि फतेह टीम जो हमारी सबसे आगे टीम रहती है, फतेह टीम जो हमारे मिस्टर प्रेम सर है, महेंद्र मौर्य सर है, फतेह टीम कहने का मतलब ये है कि सबसे आगे रहना चाहिए, हर एक काम में सबसे आगे रहना चाहिए, बस इतना ही बोलना चाहूंगा सर। आगे का सीजन कंटिन्यू कर सर, क्योंकि मार्केट के अंदर थोड़ा सा भीड़ है तो शोर शोर ज्यादा होता है। थैंक यू सर। ओके दोस्तों, देखिए मीटिंग तो करके बहुत जो आपने प्लानिंग थी वो आपने ले ली, लेकिन हर एक लीडर का एक्सपीरियंस जो होता है, जो वो व्यक्ति बताते हैं, उसको सुनना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। बिल्कुल आप भागने की कोशिश ना करें, भागने वाले को कोई रोक नहीं सकता। यदि आप इस मीटिंग में जो अगर आधा घंटा पौन घंटा नहीं दे सकते हैं अपने जीवन का, तो आप बड़े लेवल के एक्सपीरियंस भी नहीं जान सकते। तो आप लोगों को थोड़ा सा 2-4 मिनट और है मीटिंग का, तो उसमें आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। और मैं एक ऐसे लीडर को इनवाइट करने जा रहा हूं जो हमारे फाइटर टीम के पावर हाउस हैं, सो मोस्ट वेलकम है शिवम भारद्वाज सर आपका, आप आए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें सर। ओके थैंक यू सो मच सर, मुझे बताएं मेरी वॉइस क्लियर है? जी सर। ओके थैंक यू, गुड आफ्टरनून दोस्तों, नमस्कार, मैं शिवम भारद्वाज उत्तर प्रदेश बरेली से। प्रेम जी ने बहुत ही बेहतरीन सेशन लिया, और आगरा एलडीपी के बारे में बताऊं तो मुझसे ज्यादा तो कोई खुश होगा ही नहीं, क्योंकि वहां पर मेरा जन्मदिन भी मनाया गया दोस्तों, क्योंकि मेरा उस दिन बर्थडे था, और इतना बेहतरीन तरीके से उसको सेलिब्रेट किया गया, क्योंकि आज तक इतना बेहतरीन तरीके से मेरा कभी भी नहीं सेलिब्रेट हुआ बर्थडे। दोस्तों मेरा मैसेज यही है कि आप सभी को कि ऐसे फंक्शन, ऐसे प्रोग्राम आप और हम लोगों के लिए हैं, बट कैसे मिलेगा आपको ये अचीवमेंट, कैसे आपको सफलता मिलेगी? कामयाबी मिलेगी काम करने से। कामयाबी का मूल मंत्र एक ही है, काम काम काम। दिमाग में माइंडसेट यही होना चाहिए, ओनली हमें वर्क पे फोकस करना है, अपने काम पर लगातार करते रहिए, फिर देखिए सफलता आपकी शोर मचा देगी। कुछ बड़ा नहीं करना होता जिंदगी में, छोटे छोटे कामों को आप सीख लीजिए, छोटे छोटे कामों को अच्छे से करिए, फिर देखिए आपका जो है नॉलेज आपकी बढ़ जाएगी, आप कुछ बड़ा कर लोगे छोटे छोटे काम को सीख करके। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, ओवर टू देव सर। चलिए दोस्तों, इसी बीच में मैं एक ऐसे लीडर को इनवाइट करने जा रहा हूं जो हमारे फाइटर टीम के शान, फाइटर टीम के जन्मदाता,
और मैं आपको रियलिटी बताऊं, उन व्यक्ति का फोर्सेस से पहले क्या काम था, एक राजमिस्त्री का काम करते थे, एक मजदूरी करने वाले हमारे ग्रेट जो मेंटोर हैं जिन्होंने हम सब लोगों को इस फोर्सेस जैसा प्लेटफॉर्म दिलाया, तो ऐसे लीडर को भी मैं आपके सामने आपके साथ में 2 मिनट के माध्यम से जो है आप लोगों तक वो मैसेज देंगे कि सर आज से पहले क्या करते हैं और आगरा LDP में क्या किया उन्होंने। सो मोस्ट वेलकम है हमारे ग्रेट मेंटोर रवि शर्मा सर, आप आए और 1 मिनट सर अपना जो है एक्सपीरियंस शेयर करें। जी थैंक यू सर, आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया, सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार मेरी तरफ से, और बाकी बहुत अच्छा लग रहा है इतने प्यार से सुन रहा हूँ मैं मीटिंग को। जो प्रेम सर ने जो प्लानिंग दी वो भी बहुत अच्छी लगी, और जो आपकी एंट्री रही बहुत गजब की रही। जब भी सुनो ना मीटिंग को जो लगता है पता नहीं क्या क्या नई नई चीजें डेली की सुनने को मिलती है, तो अच्छा ही ऐसा लगता है कि इसमें ही हमेशा घुसे रहो। जब भी मुझे किसी मीटिंग का लिंक मिलता है ना छोड़ता तो वैसे भी नहीं, यूट्यूब पे मिले या कहीं भी मिले देखना तो ज्यादा ही रहता है अच्छा। और क्योंकि जिस चीज से लगाव इतना ज्यादा हो जाता है तो फिर उससे हटने का दिल ही नहीं करता। और बाकी सर मेरी वॉइस बराबर आ रही है क्योंकि मैं माइन रोड पर रुका हुआ हूँ। जी जी सर आ रही है सर आपकी, तो बहुत अच्छा लगता है देखो। और जब आगरा LDP में जब इतना मान सम्मान और इतना ज्यादा टीम का अच्छा लगा, तो कहते ना कि एक तो गम के आंसू होते हैं जो आदमी को कभी नहीं रोक मिलते, और खुशी के आंसू होते हैं वो भी कभी रोक नहीं मिलते। मैंने इतना कोशिश किया, मैंने सोचा कि मैं इस तरह से अगर आंसू ना निकले फिर भी मेरे रोकते रोकते भी आंसू निकल ही आए, क्योंकि वो आंसू कहते ना कि दुख के नहीं थे, बहुत खुशी के थे। क्योंकि कभी मैंने अपनी लाइफ में हमेशा सेमिनार देखे थे, लोगों के लिए मालाएं तो बहुत पहनाई, कभी खुद के लिए कभी मैंने इतना मान सम्मान नहीं देखा था। क्योंकि जब हमारा और हमारी टीम का जब मान सम्मान हो रहा था ना, तो बहुत अजीब सा लग रहा था, जे लग रहा था कि यार खुशी के मारे कर क्या लो। क्योंकि बजट ये था कि अदर लोगों को सबको सुनना भी था, अगर मैं कुछ बोलना भी चाहता तो भी नहीं बोलने का समय ही नहीं मिला, क्योंकि सब लोगों को सुनने में इतना समय निकल गया कि अपने बारे में भी कुछ बताने का वक्त ही नहीं मिला। और बाकी तैयारी क्या अपनी, तो जो देखो राजमिस्त्री के साथ ही साथ जिंदगी कटी थी, और बाकी काम तो रहा तो हर चीज का ही मास्टर रहा हूँ। कहते ना लोग पढ़ने लिखने के बाद भी मास्टर नहीं बन पाते, मैं अनपढ़ होने के बावजूद भी हर चीज का रहा मास्टर बन गई हूँ, क्योंकि मैंने अपने अंदर वो काबिलियत हमेशा पैदा करके रखता हूँ कि किसी के अगले झुको मत, और झुको भी तो उसके अंदर, क्योंकि जिस चीज के लिए अगर सीखने की पूरी लगन कर लोगे मेरे दोस्त, तो लाइफ में कभी ऐसा कोई वक्त नहीं आएगा आप कि किसी चीज के लिए मजबूर हो जाओगे। अगर वही फोर्सेज है, फोर्सेज के लिए भी जिस दिन मैंने देखा तो 2400 घंटे में सो नहीं पाया था, क्योंकि फोर्सेज है ही इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म जिसके लिए बोलूं तो कम ही पड़ जाएगा, क्योंकि ऐसी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हुई है जो टीम के साथ भी और मेरे साथ भी। मैंने कभी अपनी लाइफ में ऐसी खुशियां देखी नहीं, जो देखी सब फोर्सेस से देखी। बाकी समय सर बहुत हो रहा है, और बस इससे अगले क्या बोलूं, मुझे तो हर तरह की खुशी मिल गई फोर्सेस से। अगर साथियों आपको गलती से मिले भी, अगर किसी के द्वारा ये लिंक मिले या फोर्सेस का प्लान मिले, तो कभी भी आप मिस मत करना, अगर जिंदगी से थोड़ा सा भी सीरियसली हो। क्योंकि मैं कभी भी ये चीज देखता हूँ, आगे देखता हूँ तो फोर्सेज, और पीछे देखता हूँ वही राजमिस्त्री का काम। क्योंकि राजमिस्त्री का काम मैंने हर एक दिन, धूप हो या छाया हो किसी चीज में भी, मैंने कभी भी हमेशा हर चीज की तपन महसूस की है, और ठंड की ठंड भी महसूस की है। मेरे दोस्त कभी भी आपको 8 से 9 घंटे काम करना पड़ जाए तो आपको होश नहीं आएगा, उस तरह की भी मैंने गर्मियां झेली हैं। क्योंकि मैं पीछे मुड़कर कभी देखना ही नहीं चाहता, कम कमाऊं या ज्यादा कमाऊं या कम कमाऊं, दोस्तों सबके लिए बस ये लगता है कि हर कोई बंदा कमाए, बस मेरे साथ जो लगे वो जबरदस्त कमाए। क्योंकि अगर जो भी राजमिस्त्री करता हो या किसी लेबर का काम करता हो, तो बस मेरी बातों से इतना समझ जाना, फोर्सेज है तो जिंदगी बदल जाएगी, और बाकी हर चीज की जिंदगी किस्तों में कट जाएगी। थैंक यू सर जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया इतने बड़े मंच पे। सर कंटिन्यू करें देव सर। ओके बहुत बहुत धन्यवाद रवि सर, आप लोगों ने सुना हमारे ग्रेट मेंटोर जो आज फोर्सेज से पहले राजमिस्त्री का काम करते थे, तो सर को राजमिस्त्री का काम करते हुए भी सर ने आज बहुत बड़ा जो है बीड़ा उठाया, और हम सभी लोग ऐसे शख्सियत के इंटायर ग्रुप में काम करते हैं, सर के नीचे हम सर की टीम में काम करते हैं, तो बहुत ही बढ़िया लगता है। तो आप लोग बिल्कुल भी भागने पे ज्यादा ध्यान ना दिया करें,
क्योंकि हमें ऐसे ऐसे लोगों को सुनने का मौका मिलता है, उनसे हमारे बहुत बड़े लेवल के सपने जो है जागते हैं। तो दोस्त एक मिनट का समय और लूंगा आपका। हमारे बीच में एक हमारे बहुत ही ग्रेट मेंटोर हैं जिनका नाम है महेंद्र मौर्य सर। तो महेंद्र सर जो कर आप अवेलेबल हैं तो एक मिनट सर कंटिन्यू करेंगे। सो मोस्ट वेलकम है महेंद्र सर। ओके थैंक यू सो मच देव सर, मेरा वॉइस प्रॉपर है? जी सर। वेरी वेरी थैंक यू सो मच डियर लीडर्स, आपने बहुत सारे लीडर्स को यहाँ पे सुना, प्रेम सर का जबरदस्त प्लानिंग सुना कि किस तरीके से हम लोग थोड़ा सा छोटा सा एक इन्वेस्टमेंट करके तीन तीन स्लॉट से भी हमारे आगे बढ़ते हैं और 800-900 को अगर हम लोग टच करते हैं तो किस तरीके से हम लोग करोड़पति लखपति बन सकते हैं 3 से 4 महीने के अंदर। ये सारी चीजों की प्लानिंग सुनी आपने, एलडीपी की प्लानिंग सुनी कि आगरा एलडीपी में जो अभी एलडीपी हुई थी मार्च में, अभी जस्ट हम एक दो दिन पहले कल ही हम घर पहुंचे हैं, तो बहुत सारी 27, 28, 29 की थी, आज 31 तारीख को फिर उसी होटल में एक एलडीपी प्रोग्राम हो रहा है। आप लोगों को शायद पता ही होगा, नेमराज सर वहीं पे मौजूद हैं अभी। तो लीडर्स एक क्या है, फोर्सेस के हर लीडर्स के अंदर एक जुनून है, जज्बा है, जो व्यक्ति इन चीज को समझता है, क्योंकि यहाँ पे मोटिवेशन नहीं, यहाँ पे रिजल्ट चलता है। आप लोगों को पता है कि किस तरीके से यहाँ पे हर लीडर अपना रिजल्ट निकाल के और सामने वाले को परोसता है। यहाँ पे कुछ भी आप किसी से झूठ नहीं बोल सकते, इससे बेस्ट ईमानदारी का बिजनेस आपको कहीं करने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी रवि शर्मा सर की बात करूं तो रवि शर्मा सर को देख लीजिए कि जो व्यक्ति कई कई लाख रुपए की डिग्री लिए घूम रहे हैं, पीएचडी किए घूम रहे हैं, वो चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन एक राजमिस्त्री का काम करने वाले इंसान, एक घर बनाने वाले इंसान, अगर वो इस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, खुद की एलडीपी अपनी टीम की करा सकते हैं, तो सोच के देखिए इस बिजनेस में पावर कितनी हो सकती है। तो जो गाइस आपको प्लानिंग मिली है उस प्लानिंग पे वर्क करिए और कभी भी पीछे मुड़के देखने की कोशिश मत करिए, क्योंकि अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो आगे भी डेफिनेटली आप पहुंचोगे, अगर पीछे मुड़के जाओगे तब भी उतना ही समय लगेगा आपको पीछे जाने में जितना कि आज यहाँ तक आपको पहुंचने में लगा है। आप अपने सपनों को देखिए कि जो आपकी अमेजन करिए फोर्सेज में आने से पहले, वो जो आपकी लाइफ थी, क्या आप उस लाइफ में दोबारा जाना चाहते हैं? खुद से ये डिसीजन लीजिए, किसी मेंटर को देख के मत लीजिए, किसी अपलायन को देख करके मत लीजिए, खुद से ये महसूस करिए कि फोर्सेज में आने से पहले आपकी लाइफ क्या थी और फोर्सेज में आने के बाद आपकी लाइफ कैसे चेंज हो गई है, उस चेंजपन को क्या और आगे आपको नहीं ले जाना है। अगर आपको नहीं ले जाना है तो आप बेशक आराम से नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन अगर आपने ठान लिया कि मुझे इससे भी ज्यादा आगे जाना है तो आप बिल्कुल डेफिनेटली पहुंचेंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। जैसे कि मेरी आज जिंदगी चेंज हुई है, ठीक है, देव सर इंडियन आर्मी से हैं, तो अगर हमारे देश के जवान इसमें काम कर सकते हैं, हमारे देश के सारे जितने भी बॉर्डर्स पे लोग हैं वो पुलिस वाले काम कर सकते हैं, एक गवर्नमेंट टीचर काम कर सकते हैं जो सरकारी नौकरी पाकर भी खुश नहीं है, तो हम लोग सरकारी नौकरी पाकर कैसे खुश हो सकते हैं? तो लीडर्स बड़े सोचने की बात है, आज का जो सेशन है इतना जबरदस्त रहा, काबिले तारीफ रहा, और प्रेम सर की तो बात ही अलग है, जब भी आते हैं तो कुछ नए तरीके से सिखाते हैं, तो ऐसे ही आप फ्रंट पे आना शुरू करिए, आप भी ट्रेनिंग देना शुरू करिए। जिस दिन आप ट्रेनिंग देना शुरू कर दिए, जिस दिन आप लोगों का मीटिंग देना शुरू कर दिए, उस दिन आपका बिजनेस बहुत ऊंचे लेवल पर होगा। ये आप बड़े इत्मीनान के साथ में अपने वर्क में इसको शामिल करिए कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फ्रंट पे आइए। तो थैंक यू सो मच देव सर, अब टाइम भी हो चुका है तो सेशन को कंप्लीट करें, थैंक यू सो मच। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे प्रेम सर से कि आज के सेशन को सर यहीं पे क्लोज किया जाए।